उनके खिलाफ अविश्वास दाखिल करने के लिए, नो कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए हम बड़ी संख्या से यहाँ पार्लियामेंट सीट पे बैठे हैं और वहां संसद में संसद के विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का जो प्रस्ताव है उसके ऊपर बहस चली है। इस देश के किसानों ने मोदी जी के ऊपर विश्वास रखा था, उन्होंने जो अच्छे दिनों का सपना दिखाया था, लोगों को लगा कि ये अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी लाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश हमें अच्छे दिन देखने नहीं मिले। मैं तो ये कहता हूं हम चले थे अच्छे दिन देखने के लिए, लेकिन हमारे नसीब में आ गए लुच्चे लोगों के दिन। इन लुच्चों ने हमें फंसाया है, हमारे साथ धोखा दिया है। अगर इन्होंने धोखा दिया है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम इन्होंने हमारे साथ जो धोखा दिया गया है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसकी कीमत उनको चुकने करनी पड़ेगी। किसान भाइयों, आपको यहां बैठकर यहां जो संसद में बैठे उनको एक चेतावनी देनी पड़ेगी। अगर आइंदा इस तरह से किसानों के साथ धोखा करोगे तो 15 अगस्त को लाल किले से आप जो भाषण देते देश को संबोधित करने के लिए, वो भाषण देने का अपना सपना सपना ही रहेगा, इतनी ताकत हमारे किसानों में है। अगर हम चाहते हैं तो आपको तब से उतार ले सकते हैं, इतनी ताकत हमारे खिलाड़ियों में है, ये दिखाने की आज जरूरत है। ये सरकार ऐसी झुकती नहीं है। अगर इनके पास आप कोई कागज लेकर भीख मांगते रहोगे तो भीख नहीं देंगे, लाभ देंगे। लेकिन अगर आप हाथ में डंडा लेकर जाएंगे तो ये आपके सामने घुटने नहीं देंगे। इसलिए आज घुटना लेने की जरूरत, हाथ में डंडा लेने की जरूरत है। और ये डंडा जिस तरह से लिया जाता है, ये मैंने अभी अभी कल ही महाराष्ट्र में दिखाया। 29 जून को मैंने पुणे में बहुत बड़ा विशाल मोर्चा निकाला था, तकरीबन 50,000 किसान मेरे साथ आए थे। मांग थी जो गन्ने का बकाया है वो चुकता करो और दूध के दाम 5 रुपए से बढ़ाओ। लेकिन मोर्चा बड़ी शांता ढंग से निकाला, इतनी बड़ी संख्या से किसान आए थे, 50,000 की संख्या से, लेकिन किसी दुकान का शीशा भी नहीं टूटा, किसी पुलिस को डंडा भी नहीं उठाना पड़ा। इतना इसे इतने डिसिप्लिन से ये मोर्चा आया था। सरकार को लगा ये लोग क्या करते, क्या करेंगे, आए भाषण करके निकल गए, इनसे कुछ होना होने वाला नहीं है। उसी दिन मैंने चेतावनी दी थी सरकार को, अगर 15 दिन के भीतर दूध के दाम नहीं बढ़ाएंगे तो मुंबई हो पुणे हो अपने ये बड़े बड़े शहर है, देश के शहर के लोग दूध के मूल मूल को दर्शाएंगे, इतनी ताकत हमारे किसानों में है। जुलाई से महाराष्ट्र के किसानों ने सत्याग्रह शुरू कर दिया, हमें दूध बेचना नहीं है, हम मुफ्त में बांटेंगे।
महाराष्ट्र में हर रोज 1,40,00,000 लीटर का दूध का संग्रह होता है। हमें 1,30,00,000 लीटर दूध को रोका रोक के रखा और किसानों को कहा, ये जो मीडिया दिखा दी ना, हमने सड़क पे सरकार को थाया डॉक्टर जलाया, वो छोड़ो, ये सड़क पे जो दूध भर गया वो सिर्फ 50,000 लीटर का, लेकिन बाकी 1,39,000 लीटर दूध किसानों ने अपने पास रखा। मैंने किसानों को कहा था कि दूध पूरा ना है, वो ये खराब नहीं करेगा, तो इसमें से भाग निकल रहे जो गरीब लोग है उनको बांटो, शहर के चुक्की झोपड़ी में जाकर मुफ्त में दूध बांटो, स्कूलों में जाकर हमारे बच्चों को दूध बांटो और अपने जो गाय के बछड़े उसको दूध पिलाओ, लेकिन दूध का वो खराब मत करो। किसानों ने ये किया। इसी दिन महाराष्ट्र में पंढरपुर का विठोबा नाम का एक बहुत बड़ी देवता है, वहां लाखों श्रद्धा हो जाते हैं। हमने पूरा का पूरा दूध श्रद्धालुओं को मुफ्त में बांटा, लेकिन दूध खराब नहीं किया। 4 दिन तक ये हड़ताल चला और किसी ने हमें हमको चैलेंज किया। कई लोग कहने लगे कि दूध मेरा है, उसका क्या करना है ये हमें पता है, आप मत हमें समझाइए। ऐसे कहने वालों का दूध हमें सड़क पे मार दिया, टैंकर जला दे और सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने कोशिश की कर्नाटक से और गुजरात से दूध लाने के लिए, लेकिन मैं गर्व के साथ कहता हूं, गुजरात बॉर्डर पे मैं खुद 3 दिन का बैठ कर गुजरात से आने वाले 12 डिब्बे वाले 4 ट्रेनें में भी रुकवा दी दूध की और वापस दूध दे दिया गुजरात को। ये दूध मोदी का है, मोदी का ही, मोदी को ही बुलाओ, हम मुंबई में मत लाओ, मुंबई दूध की है दशा ही रही। आखिरकार सरकार को हमारे सामने झुकना पड़ा और कल सरकार ने विधानसभा में घोषित किया कि महाराष्ट्र के किसानों को लीटर के लिए 5 रुपए दाम हम बढ़ाकर दे रहे हैं। कोऑपरेटिव और सारे डेयरी वालों ने भी माना और ये दाम कल से ही बढ़ने वाला है। इसका फायदा महाराष्ट्र के किसानों को कम से हर रोज 5 करोड़ ज्यादा आएंगे, किसानों के जेब में हर रोज 5 करोड़ ज्यादा आएंगे। ये ऐतिहासिक जेब हमारे किसानों ने एक जो बहुत